नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम अनुच्छेद करेंगे। तो बच्चों, सितंबर के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में अनुच्छेद है हिंदी दिवस। और आप सबको पता भी होगा कि कल कौन सा दिवस था, हिंदी दिवस, अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस होता है। तो बच्चों, हिंदी दिवस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद लिखने का ढंग, कि हमें अनुच्छेद को किस प्रकार से लिखना है, किन किन तथ्यों पर विचार विमर्श करना है, किन 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 बातों को ध्यान में रखना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले तो हम अनुच्छेद का मतलब समझेंगे कि अनुच्छेद की परिभाषा क्या होती है, अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद क्या होता है। देखिए, आप सब को निबंध के बारे में पता होगा। निबंध एक बड़ा होता है, कई पेजों में लिखा जाता है, ऐसे जिसको कहते हैं। लेकिन अनुच्छेद जो है, उस मान लो कि हम कोई भी निबंध लिखते हैं, उन्हीं बातों को थोड़े शब्दों में लिखना अनुच्छेद कहलाता है। मतलब ज़्यादा बातों को छोटा करके लिखना अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद का मतलब है कि किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करना। कोई भी विषय लेकर के, कोई भी बात लेकर के, हम उस पर ज़्यादा न लिखें, केवल चुनी हुई मतलब इम्पोर्टेंट बातें ही लिखें और छोटे में लिखें, संक्षेप में लिखें, उसे ही हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद पता लगा? मतलब किसी भी विषय पर थोड़े लेकिन चुने हुए शब्दों को अपने विचार प्रकट करना, चुने हुए शब्दों को ही अपने विचारों के रूप में लिखना अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहा जाता है। तो बच्चों, ये आप समझे नहीं होगे, तो इसको मैं आसानी से समझाती हूँ, मतलब सिंपल भाषा में, आसान भाषा में। कहते हैं कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द हो या वाक्य हो, सूत्र से संबंधित विचार एवं भावों को, मतलब उसी विषय से संबंधित कोई भी विषय लेकर के, उसी से संबंधित कोई वाक्य, विचार, या अर्थात उसी विषय से संबंधित हम अपने विचारों को, या हमारे अंदर उस विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है, उसे अपनी भाषा में जब हम बताते हैं, तो उसे ही हम लिखते हैं या बोलते हैं, बताते हैं, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वाक्य, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी विषय हमने लिया है, जिस भी विषय के बारे में हमने लिखना है, तो उस विषय के साथ ही जुड़ा रहना और संक्षेप में अपनी बात पूरी करना, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो विषय, जिस विषय के बारे में हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसी विषय के बारे में लिखे, कोई दूसरा विषय न पकड़े, कोई दूसरी बात न पकड़े, उसी से संबंधित बातें लिखे, और संक्षेप में छोटे में अपनी बात को लिखना, बात को पूरी करना ही अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, पता चला अनुच्छेद क्या होता है। कई बार आप क्या करते हो, विषय कोई होता है और लिख कुछ कोई भी लाइन देते हो, तो वो गलत हो जाता है। अर्थात जो भी विषय हमने लिया है, उसी से संबंधित लिखना, जितना भी लिखना है। ठीक है, अब चुने हुए विषय पर चिंतन मनन करना आवश्यक है, ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए। चुने हुए विषय का मतलब है कि जो भी टॉपिक हमने लिया है, उसी के बारे में लिखना जरूरी होता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखेंगे इसमें, कि अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। अर्थात आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई भी अनुच्छेद, ऐसे या एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पहली लाइन बाद में लिखती, बाद वाली लाइन पहले लिखती, ऐसे नहीं होना चाहिए।
एप्लीकेशन लिखोगे, लेटर लिखोगे, अनुच्छेद लिखोगे या निबंध लिखोगे, उसमें एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी होती है, तो आप आगे पीछे लिखोगे तो उसका अर्थ ही बिल्कुल अलग हो जाता है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपने अनुच्छेद लिखते समय एक लाइन के साथ देखनी है कि अब दूसरी लाइन क्या लिखूँ, ठीक है। तो मतलब सीरियल में होना चाहिए सब कुछ, जैसे गिनती लिखते ना 1 2 3 4, अब 4 के बाद 10 लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार हमने अनुच्छेद लिखते समय भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में हर पंक्ति जो दूसरी पंक्ति से जुड़ी होती है, पंक्ति आगे पीछे हो जाती है तो उसका अर्थ बिल्कुल गलत हो जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, पुनरावृत्ति मतलब एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए, एक ही बात को बार बार न लिखें, ठीक है। और अगला क्या ध्यान रखोगे कि आवश्यक बातें ही लिखिए, आवश्यक जो बात ज़रूरी है जो उसी को लिखेंगे, अनावश्यक जो बात ज़रूरी नहीं है अर्थात अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अनुच्छेद लिखते समय भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ठीक है, और विषय के अनुकूल ही होनी चाहिए। जब भी हम बोलते हैं कुछ लिखते हैं तो हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल भाषा दूसरों को समझ नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा क्या है लिखने का। जब जैसे मैं हूँ, मैं बड़ी क्लास को पढ़ाऊँगी तो मैं दूसरी अपनी भाषा बदल लेती हूँ, और छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो अपनी भाषा सरल बोलती हूँ, तो मेरी भाषा आपको सबको समझ आ रही होगी ना। तो हमेशा ही भाषा सरल होनी चाहिए, लेवल देखना चाहिए कि छोटे बच्चों को कैसी भाषा समझ में आएगी और बड़े बच्चों को कैसी भाषा समझ में आएगी। इसी प्रकार आपको अनुच्छेद जब लिखोगे तो भाषा आसान होनी चाहिए ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। और जब भी अनुच्छेद लिखोगे तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग करके भाषा को सुंदर भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लिखने के बाद उसका अध्ययन करना चाहिए, जब अनुच्छेद आपका पूरा हो जाए तो कम से कम 2 बार उसको पढ़ना चाहिए ताकि कोई कमी रह जाए, कोई मात्रा की गलती हो जाए या कोई मिस्टेक रह जाए, कोई गलत लिखा जाए, उसको आप दोबारा से सुधार सकें, उसको दोबारा ठीक कर सकें। तो अनुच्छेद लिखने के बाद उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो बच्चों ये थे अनुच्छेद लिखने के नियम कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। आप इतना बड़ा लिख देते हो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद तो एक पैराग्राफ में ही होता है या 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हो, ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है, बड़ा तो फिर ऐसे ही ना हो जाएगा, निबंध ही ना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा सिलेबस में निबंध है हिंदी दिवस, तो कल बच्चों, कल आप सभी जानते हैं कि कल हमारा हिंदी दिवस था, कल 14 सितंबर था ना, तो कल हमारा हिंदी दिवस था। तो बच्चों देखिए, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 14 सितंबर का जो दिन होता है वह हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी का जो दिन होता है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो अपने देश में मनाया जाता है और 10 जनवरी को संसार में, पूरे संसार में हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कब से शुरू हुई, 1949 से, जब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद 1949 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा दिया, राजभाषा का। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको राष्ट्रभाषा मान लिया गया है। 1949 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया था, ये राजभाषा थी, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी मनाया जाता है, मानते हैं ये राष्ट्रभाषा भी है, इसको दर्जा नहीं मिला है लेकिन हमने इसको मान लिया राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा को, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था, तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ था, 1949 में भारत की जो संविधान सभा थी उसने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया था, और तब से ही इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो गई। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था, ठीक है बच्चों। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया,
ठीक है बच्चों, मेन इसमें यह बताया गया है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 से जब आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे देश के संविधान को चलाने के हमारे देश को चलाने के लिए कोई भी संविधान नहीं था। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हुआ था और उसी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, और तब से ही सन 1949 से लेकर आज तक 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हिंदी दिवस को कैसे मनाते हैं। हिंदी दिवस को सभी बहुत ही खुशी से मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जब से ज़्यादा मतलब अधिक राज्यों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हिंदी दिवस पर क्या क्या करते हैं। हिंदी दिवस पर निबंध, हिंदी दिवस पर स्पीच और लेख आदि लिखते हैं। इनकी प्रतियोगिता रखी जाती है हिंदी दिवस पर, किसकी निबंध, स्पीच और लेख आदि की प्रतियोगिता भी रखी जाती है, कंपटीशन होता है इन चीज़ों का। ठीक है बच्चों, तो देखिए और क्या करते हैं। अब आपको ये इसमें बताया गया कि आप इस आर्टिकल से, मतलब हमने अपने आर्टिकल में हिंदी दिवस पर निबंध आपको उपलब्ध कराया है, आप इस आर्टिकल से हिंदी दिवस पर स्पीच और हिंदी दिवस पर लेख लिखने में भी सहायता ले सकते हैं, जो आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आपको ये लेख हिंदी दिवस का महत्व पर निबंध में भी सहायता देगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब इसमें क्या बताया गया कि यह भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था कि जब भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए खुशी का दिन था ना कि जब हिंदी जो हिंदी जो भाषा है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था, कि हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदी की जो हर भाषा की लिपि भी होती है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है, लेकिन हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है बच्चों, तो 14 सितंबर जिस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, तो हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब कई स्कूल कॉलेज कार्यालय इस दिन महान उत्साह के साथ मनाते हैं, बहुत जगह बहुत खुशी के साथ धूमधाम से मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, और क्या क्या होता है इस दिन, स्कूल हिंदी बहस, हिंदी दिवस पर कविता और कहानी कहने वाली प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करते हैं, मतलब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, हिंदी बहस होती है, हिंदी में हिंदी दिवस पर कविता का आयोजन किया जाता है और कहानी कहने वाली आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ठीक है, और देखिए, हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरित करके सम्मानित किया जाता है। तो क्या करते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी के क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो टीचर हैं, हिंदी के अध्यापक भी हैं, तो उनको क्या किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उनको पुरस्कार भी देते हैं, उनको प्राइज भी दिया जाता है, अर्थात उनको पुरस्कार दे करके उनको सम्मानित किया जाता है। हिंदी अध्यापक 14 सितंबर को सम्मानित किए जाते हैं ना। ठीक है, तो आगे देखिए, राजभाषा पुरस्कार विभागों, मंत्रालयों, PSU और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वितरित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बताया गया है इसमें हिंदी भाषा के का महत्व, कि हमारी हिंदी भाषा का कितना महत्व है हमें। तो बच्चों, हमें अपनी भाषा को बनाए रखना चाहिए, अपनी भाषा
को महत्व देना चाहिए और अपनी हिंदी भाषा को ही अपनाना चाहिए। अपनी भाषा को छोड़कर हमें दूसरी भाषा नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का मतलब ये कि अपनी हिंदी भाषा पर बल दे दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हिंदी दिवस पर अनुच्छेद। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ और आप पीडीएफ से देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में बहुत सुंदर सुंदर ढंग से लिखेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।